year uh, if I, I completed my uh, engineering in 2016 uh, in uh, sorry 2006 and after that what uh, I'll just move to this uh, IT domain in here uh, let me just remind 2016 yeah in 2016 I moved to AWS cloud. Right. So before that, I was working in you know in the data center operations and how the actual data center and what are the different functionalities of the data center, working with uh, servers, routers, firewalls, and other things. I started my career as a .NET developer and then actually moved to data center operations, then into AWS and DevOps. So total work experience in uh, in cloud because I have worked in different clouds. So I started my career with Azure. And then you know move with the AWS and also I have worked with Google Cloud platforms and you know other. so majorly I have worked with Google Cloud, Microsoft Azure, and AWS services. So in this session, uh, what I'm going to tell you about is like where currently AWS stands and why we call AWS as a market leader okay So we have we have many cloud providers, okay I'll share my screen and we'll start this uh, so you guys are comfortable in english or should i should i switch into english or maybe only in hindi so you guys are comfortable in both english and hindi or only english yes. or only boston yes sir. okay uh, no or yes like sorry i didn't get it आप बता सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हिंदी में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई एल टेक इट इन हिंदी अगर आप इंग्लिश में भी हो इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई विल यूज़ बोथ ओके बिकॉज वेन एवर वी डू दिस ट्रेनिंग एंड गो फॉर द इंटरव्यूज इन आई टी वट एवर टेक्नोलॉजी यू आर वर्किंग इन द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश ओके आप इंटरव्यू दे रहे हो चाहे वो इंडिया की कंपनी हो चाहे वो बाहर की एम एनसी हो चाहे वो किसी भी एरिया की या किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन से वो ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करती हो एंड यू आर गोइंग फॉर एन आई टी प्रोफाइल आईस अ डेवलपमेंट और क्लाउड और डेवलप्स एनीथिंग यू आर द मेन फर्स्ट कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज इंग्लिश ओके सो इन द ट्रेनिंग वेन आई गिव द ट्रेनिंग देर आर फ्यू टॉपिक्स विच आई टेक टोटली इन इंग्लिश वेयर वी हैव टू आई टेल यू अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट विद द इंटरव्यूअर हाउ टू बी स्पेसिफिक अबाउट द आंसर वट आर द डिफरेंट की वर्ड यू हैव टू डू

वट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कोर्स करेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट पॉइंट पे मैं आता हूँ सैलरी ठीक है कि सैलरी ट्रेंड क्या चल रहा है अगर मैं एडब्ल्यू एस की प्रोफाइल में जाता हूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैं इस कोर्स को क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहा हूँ मैं अपने आप को अपग्रेड क्यों करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्टेट पॉइंट मुझे सैलरी इंक्रीज करनी है या मुझे जॉब अच्छी चाहिए ठीक है तो यही पॉइंट्स होते हैं बाकी लर्निंग एक बहुत मेजर फैक्टर है बट मॉनेटरी फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है मतलब जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट इन द सैलरी अपग्रेड ऑफ द पर्सनल नॉलेज वो एक ऐसा फैक्टर होता है जो सबसे ज्यादा मेजर होता है तो हम ए डब्ल्यू ए क्यों पढ़े हमारे पास अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी इसे कहते हैं मैजिक क्वाड्रेंट ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेस एक गार्टनर नाम की कंपनी है ठीक है गार्टनर इज अ नेम ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन विच डू दिस काइंड ऑफ सर्वेस विच डू पब्लिक पोल्स एंड दे पब्लिश द रिपोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल दे डू द कंपेरिजन कि कौन टॉप पे है कौन मिडल में है और कौन अभी न्यू है तो गार्टनर एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वेस करती है तो आप लोगों ने कभी सर्वे दिए हैं जैसे आपके पास यूट्यूब का सर्वे आता होगा जब आप YouTube पे वीडियो देखते हो उसके बाद दिखाता है ना फिल द सर्वे फॉर्म तो ऐसे ही करके गार्डनर क्या करता है अलग अलग यूजर्स के पास जाता है और उनसे फीडबैक कलेक्ट करके एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करता है गार्टनर गार्टनर की हम बात क्यों मांगे क्योंकि एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है गार्टनर हर चीज का कंपैरिजन करता है तो अगर आपको गार्टनर के बारे में पढ़ना हो तो गार्टनर एक आ, अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है इसको आप गार्टनर की वेबसाइट पे जाके ठीक है ये फर्म क्या करती है इट्स अ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड कंसल्टिंग फंड ठीक है ये टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करती है और ये देखती है कि कौन सा अभी क्या स्टेट है और अपनी उस रिपोर्ट को ये चार मैजिक क्वाड्रेंट के अंदर पब्लिश करती है चार मैजिक क्वाड्रेंट मतलब चार एरियाज हैं इसके चैलेंजर्स निश प्लेयर्स विजनरीज एंड लीडर्स ठीक है तो अब क्या है कि ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हो ठीक है ये रिपोर्ट इस रिपोर्ट से हमें क्या पड़ता है अगर मैं इसकी गार्टनर की लेटेस्ट क्लाउड आपको दिखाऊं वो जो इमेज थी वो 2020 की है हम 22 में देखते हैं कि क्या है ठीक है ये थोड़ी अपडेटेड इमेज है अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ये तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है ठीक है मेरे को क्लाउड के ऊपर चाहिए एक मिनट क्लाउड प्रोवाइडर्स ये 2021 की है हाँ ये 2019 2018 21 ठीक है। इस इमेज में आप देखो ये चार क्वाड्रेंट है लीडर्स चैलेंजर्स नीच प्लेयर्स विजनरीज़ ठीक है। अब इसको ग्राफ को देखो यहां पे लिखा है एबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्लीटनेस ऑफ विजन तो आप ये देखोगे कि ये इस तरह चलता है तो अभी नीच प्लेयर्स मतलब जो नए क्लाउड में आए हैं मतलब जैसे ओरेकल टेनन क्लाउड आई मतलब ये लोग क्लाउड में हैं बट अभी और भी चीजों में मतलब आई बहुत पुरानी कंपनी है ठीक है Oracle भी बहुत पुरानी कंपनी है बट दे आर इन टू क्लाउड न्यू तो ओरेकल क्लाउड भी हमारे पास एक है जो हम पढ़ सकते हैं बट अभी वो इतना वेल well स्टेब्लिश नहीं है अकॉर्डिंग टू गार्टनर ठीक है आपके पास अली बाबा क्लाउड भी है अली बाबा क्लाउड इज फ्रॉम इट्स एक्चुअली न्यू क्लाउड आई थिंक इट्स लॉन्च इन सिक्सटीन और सेवनटीन ये बहुत जल्दी नीश प्लेयर से विजनरीज में मूव हुआ है विजनरीज का मतलब क्या होता है कि ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं धीरे 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 ये आगे बढ़ रहे हैं तो अलीबाबा क्लाउड भी अच्छा क्लाउड है बट इट्स नॉट अ लीडर इट्स नॉट अ मार्केट लीडर मार्केट लीडर अभी सिर्फ तीन क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। एमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल गूगल का है जी Google Cloud गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट का है माइक्रोसॉफ्ट एजियोर एजियोर के नाम से वो देता है क्लाउड और एडब्ल्यू का है uh, Amazon का है Amazon वेब Services तो ये एक रीजन है कि एमेजॉन वेब सर्विस इट्स लीडर ये 2003 में सबसे पहले लॉन्च हुआ था सिर्फ दो से तीन सर्विसेज के साथ और आज के टाइम पे थाउजेंड प्लस सर्विसेज है Amazon के अंदर ठीक है और इसमें इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है मतलब Amazon का जो Amazon इज वेरी वेल स्टेब्लिश इन इंडिया ठीक है amazon का अपना खुद का रीजन है इंडिया में अभी मुंबई में था अब एक और लॉन्च हुआ है हैदराबाद में रीजन तो इससे पता लगता है कि amazon इंडिया में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है ये एक रीजन है हमारे पास कि हम amazon क्यों पढ़े? बिकॉज़ इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंडिंग इन इंडिया मोर ठीक है प्लस इसका जो सपोर्ट है टेक्निकल सपोर्ट मतलब जरूरी नहीं होता कि हमें जब भी हम किसी क्लाउड के बारे में पढ़े हमें सारी चीजें पता है आज अगर आप अपना कोर्स खत्म करते हो तो दो महीने बाद कुछ न्यू सर्विस लॉन्च होती है आई में थिंग्स आर एवर ग्रोइंग डेली बेसिस पे अपडेट्स आते हैं जस्ट लाइक योर एंड्रॉइड एप्स तो आप लोग फोन यूज करते हो राइट एंड्रॉइड और आईओ कोई आईफोन यूज करता होगा कोई अप, आ, कोई आ, कोई, कोई नॉर्मल अपना एंड्रॉयड फोन यूज करता होगा ठीक है तो अपडेट्स आते हैं ना जैसे अभी आईफोन 14 का लेटेस्ट आया है फिर एक और अपडेट आता है उसके बाद उसके बाद गूगल के अंदर नए एंड्रॉइड अपडेट्स आते हैं तो ये अपडेट्स जरूरी होते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे यूजर को ईजी मतलब काम करने में ज़्यादा ईजी हो न्यू फीचर्स लॉन्च होते हैं तो सिमिलरली एडब्ल्यू बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग एंड द न्यू फीचर्स तो वो क्या करता है कि आज आपने जैसे मान लो एक सर्विस के बारे में पढ़ा कल को उसका लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा तो मतलब लेटेस्ट अपडेट का मतलब ये नहीं कि मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं एग्जिस्टिंग एडब्ल्यूएस के जो लोग होती हैं उनको बोलती हैं कि आप अपने आप को अपग्रेड करो एंड यू इंप्लीमेंट दिस न्यू फ्यूचर फॉर अस तो या आप एडब्ल्यूएस से जुड़े हो जैसे अगर आप अपना करियर पाथ एडब्ल्यू चूज करते हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो कि आप एडब्ल्यू को फॉलो करते हो फॉलो इन द सेंस कि जैसे मैं अपना बताऊं पर्सनल तो मैं एज्योर और ए को फॉलो करता हूं। मैंने गूगल क्लाउड पे काम किया हुआ है बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा बट सब कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है मैं एज्योर और ए को फॉलो करता हूँ तो मैं उसको देखता रहता हूँ हर हफ्ते दो हफ्ते में क्या अपडेट आया न्यूज पढ़ लेता हूँ उसका कि ये चीजें हैं तो मैं अपने आप को उस चीज में अपडेट रखता हूँ और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से ये चीज डिस्कस करता हूँ बिकॉज जो मेरा डेग्नेशन है जो मैं मतलब मैंने जिस जिस चीज में कंसल्टिंग कंसल्टिंग लेवल लेवल पे हूं। क्या होता है यू हैव टू थिंक प्रोग्रेसिवली अबाउट योर करियर योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रिचेबिलिटी हाई परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन लो लो डाउन टाइम्स और जीरो डाउन टाइम्स कि ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन हमेशा ऊपर रहे तो ये सारी चीजों के लिए कंपनी हमसे कंसल्टिंग लेती है कि हम उनको कैसे ए को और मेच्योर वे में यूज कर सकते हैं तो मैं मेरी टीम में ए के सारे जितने भी लोग हैं तो हम लोग जितने भी जितना भी हम लोग ट्रेनिंग वगैरह भी हम करते हैं उस केस में तो हम ये फोकस करते हैं कि हम ए से क्या बेनिफिट ले सकते हैं और क्या बेनिफिट रिटर्न में हम ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू गार्टनर ए इज वन ऑफ द पावरफुल टूल जो कि मार्केट लीडर की तरह है ये पहला रीजन है कि आप एडब्ल्यू क्यों पढ़े ठीक है कि इसकी जॉब्स बहुत सारी है एज कंपेयर टू और गूगल ग्लोबली भी इंडिया में भी तो ए की जॉब्स एज कंपेयर टू अदर क्लॉड प्रोवाइडर्स थोड़ी ज्यादा है इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है ये इजी है यूज करने में तो अगर चाह रहा है आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हो तो मैं उस क्वेश्चन पे भी आता हूँ जैसे आप में से कुछ नॉन आईटी बैकग्राउंड के होंगे कुछ आईटी बैकग्राउंड पे होंगे वो ज्यादा अच्छा समझ पा रहे होंगे जो आईटी बैकग्राउंड के होंगे नॉन आईटी बैकग्राउंड थोड़ा सा लिंक करने में मुश्किल होगी बट ऐसा नहीं है एडब्ल्यू ये नहीं कहता कि अगर आप नॉन आई बैकग्राउंड के हो तो आप ए नहीं पढ़ सकते इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है एवरीथिंग नीड्स टू बी स्टार्ट एंड यही हम करेंगे इस कोर्स में दैट वट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच एंड फ्रॉम स्क्रैच हम देखेंगे कि हम अपने रिसोर्सेज को और ए के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रोविजन कर सकते हैं तो पहला रीजन जो है हमारा कि AWS क्यों क्यू पढ़े वो अकॉर्डिंग टू गार्टनर बिकॉज इट्स सेल्फ स्टडी के लिए और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप इनमें से कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर पढ़ सकते हो हर क्लाउड प्रोवाइडर सेम ही होता है अगर आपने Amazon पे कमांड कर लिया तो आपको दूसरे क्लाउड पे स्विच होने में टाइम नहीं लगेगा सिर्फ थोड़ा सा सर्विस का नाम अलग होता है उसको प्रोविजन करने का तरीका अलग होता है बाकी सारी डेफिनेशन सेम रहती है

चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ ठीक है मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बोला कि हमें एडब्ल्यू पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मूव करना है तो इस केस में मेरे पास दो ऑप्शन है या तो मैं बाहर से एडब्ल्यू के लोगों को हायर करूं या मैं फायदा क्या होगा अगर मैं बाहर से लोगों को हायर करूंगा नए लोगों को कि उनके पास एडब्ल्यू का सर्टिफिकेशन होगा और वो एडब्ल्यू एस सर्टिफाइड होंगे देखो सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि ये जॉब के लिए इंपॉर्टेंट होता है ठीक है सर्टिफिकेशन का मतलब है कि you are certified. मतलब कल को अगर कुछ issue आता है, ठीक है तो कंपनी के ऊपर बात नहीं आएगी कि आपने मतलब समझ रहे हो कि कंपनी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेती वो क्या करती है चाहे आप कितने भी अच्छे एम्प्लॉय हो वो ये देखेगी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है या तो आपको करने को बोलेगी काम देने से पहले कि आप सर्टिफिकेशन करो और हम उसको रिमबर्स करते हैं या दूसरे लोगों को हायर करेगी जिनका सर्टिफिकेशन होगा सर्टिफिकेशन क्या करता है आपको सर्टिफाई कर देता है कि यू आर एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड कि आप एडब्ल्यूएस के साथ काम कर सकते हो एडब्ल्यूएस के कंसोल पे काम कर सकते हो और आपको चीजों के बारे में पता है अब ऐसे भी इसका मतलब ये नहीं कि मान लो

अगर एक गलत कॉन्फ़िगरेशन में पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो सकता है ठीक है तो इसको इस तरह देखो तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है अब ट्रेन का जो ड्राइवर होता है कोई भी दिन चला नहीं चला सकता ना ट्रेन या कोई भी तो फ्लाइट नहीं उड़ा सकता ना वो सर्टिफाइड पायलट्स होते हैं ना पायलट का लाइसेंस होता है ना पायलट का लाइसेंस उन्हें ही मिलता है करेक्ट जो फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करते हैं हाँ या ना सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ हेलो सर करेक्ट तो पायलट yes, का जो लाइसेंस लाइसेंस होता है वो सर्टिफाई करता है कि भाई तुम इंडिगो तुम जेट तुम अब किसी के लिए भी तुम काम कर सकते हो तो ये सर्टिफिकेशन आपको उसी तरह, उसी तरह भीड़ में आपको अलग करता है कि आप एडब्ल्यू के रिलेटेड काम कर सकते हो बट इसका मतलब ये नहीं ये मैं आपको एज ए नॉलेज पर्पज से बता रहा हूं कि आप ये आपका मतलब करियर पाथ होना चाहिए कि आप जितने हो सके उतने सर्टिफिकेशन जित जितने हो सके उतना उतना एडब्ल्यू एस के रिलेटेड नॉलेज आप ले सकते हो जो कोर्स हमारा है सोल्यूशन आर्किटेक्ट का वो ये वाला सर्टिफिकेशन है सेकेंड लेवल का ये सर्टिफिकेशन लेते ही आपको और कोई सर्टिफिकेशन वाले कोई काम नहीं करने की जरूरत आप इनफ एडब्ल्यू एस सर्टिफाई हो आप किसी भी चीज पे काम बट अगर आप पर्सनल नॉलेज के लिए और आगे बढ़ना चाहते हो तो ये करियर ग्रोथ होता है सबसे पहले स्टार्ट होता है ये क्लाउड प्रैक्टिशनर Cloud आपका बेसिक सर्टिफिकेशन होता है ये सबसे इजी लेवल होता सोल्यूशन आर्किटेक्ट डेवलपर सिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तीन तरह के डिफरेंट सर्टिफिकेशन होते हैं इसके बाद प्रोफेशनल लेवल प्रोफेशनल पे दो होते हैं सोल्यूशन और डेवलप इंजीनियर तो मोस्टली आर्किटेक्ट होते हैं अगर किसी को मैं हायर कर रहा हूँ और मेरी द रिक्वायरमेंट है कि दस से पंद्रह साल ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए तो उस केस में मैं ये देखूंगा कि उनके पास ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल लेवल का ठीक है अब सर्टिफिकेशन करने के दो तरीके होते हैं भाई अगर आप किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हो कि वो आप सर्टिफिकेशन करो अपने आप को स्किल अपग्रेड करने का एक वो होता है क्या बोलते हैं एक बेनिफिट होता है जो हर कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज को तो आप एज अ स्किल अपग्रेड में इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हो और इस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट को रिमबर्स करा सकते हो आई कंपनीज में तो ऐसा होता है दूसरा आप अगर इसको सर्टिफिकेशन को करते हो अपने पैसों से तो आप इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हो तो आप जब इसको डिक्लेयर करते हो तो वहां पे एक टैक्स बेनिफिट अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको बोलूंगा डोंट गो फॉर द सर्टिफिकेशन राइट नाउ गो फॉर द नॉलेज क्योंकि फ्रेशर को सर्टिफिकेशन से नहीं मेजर किया जाता फ्रेशर के लिए और फ्रेशर ईयर ऑफ एक्स दो साल के वर्क एक्सपीरियंस हो और स्विच करने की सर्टिफिकेशन वो नहीं देखेंगे, वो, वो देखेंगे की आप नए हो चलो सर्टिफिकेशन दो तरीके से कुछ लोग रट के कर लेते हैं ठीक है कुछ लोग समझ के करते हैं तो वो नॉलेज चेक करेगा एज अ फ्रेशर और उसमें इसलिए फ्रेशर की पोजीशंस पे ज्यादातर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ये होती है एक्सपीरियंस लेवल पे ठीक है तो ये हमारे पास मल्टीपल एडब्ल्यू एस सर्टिफिकेशन होते हैं जिनको हम कर सकते हैं लास्ट वाले होते हैं स्पेशलिटी मतलब किसी एक डोमेन में स्पेशल हो जाना चाहे नेटवर्किंग में चाहे डेटा बेस में क्या सिक्योरिटी में चाहे मैंने मशीन लर्निंग ठीक है तो ये हमारा थर्ड रीजन है कि ए एस सर्टिफिकेशन हमें भीड़ में से अलग करता है मान लो अगर मेरे पास हजार लोग हैं आए कैंपस इंटरव्यू में उनके अंदर 200 लोगों के पास सर्टिफिकेशन था तो मैं 200 को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा ना तो दैट्स द रीजन वी वाई वी डू प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन क्यों हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है मैं भी ट्रेनिंग करता हूँ मैं आज तक ट्रेनिंग करता हूँ मैंने अभी टेराफॉर्म की ट्रेनिंग करी है रिसेंटली टेराफॉर्म का एक सर्टिफिकेशन किया तो डेवाप्स में एक टूल होता है जिसको जिसका नाम होता है टेराफॉर्म तो रिसेंटली मैंने इसकी ट्रेनिंग करी है अब मैं इसका सर्टिफिकेशन करूंगा तो लर्निंग नेवर स्टॉप्स ठीक है तो लर्निंग नेवर स्टॉप आज ये कर लिया कल वो कर लिया बट क्यों क्योंकि आई में आपको अपग्रेड करना पड़ता है।, है रिसेशन आते हैं रिसेशन पता है क्यों आता है क्यों इंप्लाइज को निकाला जाता है क्यों बोला जाता है कि अमेजोन ने चार हजार लोगों को निकाल दिया क्यों बोला जाता है ने तो को निकाल दिया क्या ये रीजन क्या होता है बिकॉज स्किल अपग्रेड नहीं करते हैं लोग अपनी लोग क्या करते हैं कि हाँ उन्होंने डॉटनेट में ज्वाइन किया दो दस साल पहले आज भी डॉट में ही काम कर रहे हैं या आज भी जावा भाई तुम्हारे पास दस साल का वर्क एक्सपीरियंस है तुम एक्स्ट्रा कंपनी को क्या दे रहे हो तो अगर तुम जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें सैलरी दे रही है तो तुम्हें उसको रिटर्न करना पड़ेगा ना फेवर ऐसा तो नहीं है तुम्हें पैसा मिलता अगर ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें तुम पैसा मिल रहा है और तुम कुछ नहीं करोगे ऐसे होते हैं बहुत लोग फिर जो रिसेशन होता है ना तो सबसे पहले उनके नंबर आते हैं ठीक है थेके? तो उस केस में क्या होता है आपको हमेशा अपग्रेड रहना है कि कल को अगर यहां से नहीं तो मैं दूसरी जगह जाके मुझे अच्छी जॉब मिल और कंपनी कभी भी उसको ले ऑफ नहीं करती जो अपनी स्किल को अपग्रेड करता है जो लेटेस्ट में अगर आज के टाइम पे मुझे एक भी बंदा आप बता दो जो एडब्ल्यू और डेवोप्स पे काम कर रहा हो या मशीन लर्निंग ए पे काम कर रहा हो या बिजनेस एनालिटिक्स पे काम कर रहा हो या स्नोफ्लिक पे काम कर रहा हो इतने सारे टूल है जो ले ऑफ हुआ हो ले ऑफ वो बंदे ज्यादा होते हैं जो अभी भी इतने हेवी एक्सपीरियंस के बाद दस से बारह साल एक्सपीरियंस के बाद भी पुरानी चीजों पे है तो आप लोग अपने करियर में नो हो मुझे आपका एक्सपीरियंस नहीं पता अभी मैं बस एक चीज शेयर करूंगा कि जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो होते रहो वैसे वैसे आप इन सर्टिफिकेशन को करो और वैसे वैसे, वैसे आप अपने आप को अपडेटेड रखो ठीक है ये हमारा सेकेंड रीजन था कि हम एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और एडब्ल्यूएस क्यों पढ़े सेम सर्टिफिकेशन आपको एजियोर और गूगल क्लाउड भी देते हैं और उनके भी सेम लेवल ऑफ चीजें हैं सर्टिफिकेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सर्टिफाई कर देता है कि हाँ हमें एडब्ल्यू आता है और कभी कभी कंपनीज देखती अच्छा है अच्छा सर्टिफिकेशन है हायर करो सीधा क्यों क्योंकि वो नहीं जाना चाहते उसमें क्योंकि एडब्ल्यू का टेस्ट दे ही आपने सर्टिफिकेशन लिया है ऐसा नहीं कि आपकी जगह किसी और ने जाके टेस्ट किया ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ये आपने खुद पढ़ा है खुद आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करे हैं और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया है तो ये हमारा थर्ड रीजन अब जो लास्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंट टाइप की है जो अभी क्या बोलते हैं हमारे पास मार्केट में है ठीक है ये सैलरी है यूएस डॉलर्स में जो चल रही है ट्रेंडिंग है मतलब ऐसा नहीं कि भाई सबकी सैलरी इतनी होती है एक सर्वे एक है डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन है क्या क्या होती है एडब्ल्यू एस क्लाउड आर्किटेक्ट तो एडब्ल्यू एस uh, क्लाउड आर्किटेक्ट की सैलरी है तो 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 इसको मैं अगर USD to INR, INR करूं, तो साल की 10, 100, 000, 10, 000, 10, 000, 10, 000, इतना at least, मतलब करोड़ का पैकेज होता है ये बहुत ही हाई लेवल वो है क्या बोलते हैं डेजिग्नेशन एक मिनट ये आर्किटेक्ट लेवल पे है आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट मतलब पंद्रह साल के ऊपर वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों का तो इतना एवरेज देखा गया है कि इन, इस, इनका इतना पैकेज होता है एनुअली और ये पूरा का पूरा ये सी होता है इसमें टैक्स कटता है तीस ठीक है ध्यान रखना ऐसा नहीं कि एक करोड़ रुपए पूरे साल में आ रहे हैं उसको इसमें थर्टी परसेंट टैक्स स्लैब में आएगा वो इनकम टैक्स कट कटके सेवेंटी सिक्सटी सेवेंटी सेवनटी लैक्स मान लो क्योंकि थर्टी हमारा इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम पता है ना आप लोगों को कि तीस लाख से ऊपर पैकेज होता है तो थर्टी परसेंट सीधा वेव ऑफ होता है तो इस पैकेज पे और ये आर्किटेक्ट सबसे हाई लेवल का मतलब देखो मतलब देख रहे हो कितना ऊपर बार है उसके बाद आता है ए डेवलपर ए डेवलपर ए डब्ल्यू और ए क्लाउड प्रैक्टिशनर ये आप लोगों का फ्रेशर लेवल का क्या बोलते हैं ये होता है एडब्ल्यू क्लाउड प्रैक्टिशनर लेवल पे तो इसका कितना है एट तो अगर इसका सालाना पैकेज देखें कितना आ जाता है ऑन एन एवरेज हाँ तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से अगर जो और इसमें मतलब एटलीस्ट ट्वेल्व टू थर्टीन जो मैंने देखा है इंडिया की मतलब अगर आप किसी इंडिया में ज्वाइन करते हो एज एज दिस क्लाउड प्रैक्टिशनर तो एटलीस्ट बारह से तेरह लाख एनुअली का पैकेज स्टार्टिंग में मिल जाता है ए डब्ल्यू प्रोफाइल पे डेवलपमेंट में कम होता है मतलब सिक्स टू सेवन से अब स्टार्ट होती है मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो मेरा स्टार्टिंग थ्री पॉइंट फाइव से हुआ था जो मैंने अभी दस बारह साल पहले स्टार्ट किया था अब वो चेंज टर्म्स चेंज हो गए हैं अब फ्रेशर को सात से आठ आराम से मिलता है और आपके पास डेवॉप्स है एडब्ल्यू एस है तो बारह तेरह तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए लिए की और यूएस ये सारी जो सैलरी आप देख रहे हो ना ये यूएस रेट्स के ऊपर है ये यूएस में क्या मिलता है इंडिया में ऐसा कोई सर्वे नहीं है बट इनिशियली टेन से ऊपर मिल जाता है अगर आप थोड़ा पेशेंस रख के और किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कैसे अच्छी है उसको तीन फैक्टर से देखा जाता है कि क्या बोलते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं उसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है उसका ग्लास डोर पे क्या कमेंट्स है तो डिपेंड करेगा कि आपकी वो कंपनी कैसी है ठीक है इनिशियली बट दस तक दस बारह तक मिल जाता है उसके बाद जितना जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो उनका स्लैब होता है जैसे एच देती है एटीन लैक्स पर ईयर सेवन ईयर थर्टी थर्टी लैक्स देती है गूगल उससे ज्यादा देती है और ऐसा जरूरी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एडब्ल्यू के बंदे हायर नहीं करती है. हर कंपनी हर टाइप के बंदे हायर करती है एमेजॉन में भी गूगल क्लाउड के बंदे हैं एमेजॉन में भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एजोर के बंदे हैं ठीक है क्योंकि सब मिलके काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि अगर आपने एडब्ल्यू पे काम कर लिया तो आप ऐसी कंपनीज में नहीं जा सकते सी द विजन ऑफ बिग यू जस्ट गो फॉर इट बट इसमें सबसे पहले इनिशियली क्या होता है कि आपको क्या करना है स्टार्ट करना है विद द मॉक इंटरव्यूज कि मतलब आप अपने आंसर को कैसे फॉर्मुलेट करते हो अगर मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस इन एस ठीक है तो जब मैं वो स्टोरेज क्लासेस का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि इसमें डिफरेंट टाइप के इंटरव्यूज क्वेश्चन क्या बनेंगे ठीक है हर टॉपिक के रिलेटेड उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होंगे हर टॉपिक के रिलेटेड उसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट में तो आई थिंक हमारी जो ट्रेनिंग है जिसके लिए ये डेमो रखा है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन लेवल की ट्रेनिंग है जो कुछ इस तरह के है इस वाले के लिए अगर इसका मैं कोर्स देखू AWS इसका कोर्स देता है ऐसे नहीं आएगा ये यहाँ पे आपको हर सर्टिफिकेशन का एग्जाम गाइड होती है एक ठीक है तो एग्जाम गाइड होती है ये एग्जाम गाइड है इसकी तो इसमें ये आपको बताएगा कि इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं और मल्टी रिस्पांस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं ये टॉपिक्स आते हैं

आपके ऊपर रहेगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बोलते हो सर्टिफिकेशन कराने के लिए या आप खुद करते हो तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स बताऊंगा अब आई टेक सम क्वेश्चंस अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं

Okay. Sorry, Akshay, I is not Hello. Yeah. Uh, that's the only question, I have. Mm -hmm. Okay. That's okay. great. No problem. Or, anyone else a question? <laughs> okay, guys. Uh, all the best. किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप सीमा मैम को पोस्ट कर सकते हैं टेक्निकल हाँ टेक्निकल क्वेश्चन जो होगा वो मैं आंसर कर दूंगा बाकी दूसरी चीजें आपको वो बता देंगे ठीक है ओके थैंक यू सो मच नितिन सर फॉर दिस ओके सर नो प्रॉब्लम थैंक यू